राजधानी पटना के राजीव नगर मामले को लेकर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की लड़ाई अब भी जारी है। पप्पू यादव ने कहा कि जिन लोगों के घर को बुलडोजर से उड़ाया गया है उसके लिए उप मुख्यमंत्री मुआवजा की घोषणा करे। 14 तारीख को अगली सुनवाई के दिन हमारे भी वकील मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट से आग्रह करूंगा कि पिछले 25 सालों से जिन सीओ दरोगा सहित जितने भी कर्मचारी की पोस्टिंग थी उनके संपत्ति की जांच की जाए और उनकी संपत्ति छीनी जाए। पप्पू यादव ने मांग किया कि सारे अफसरों से पैसे वसूल कर पीड़ितों को दिया जाए जिनके घरों को ध्वस्त किया गया है। पप्पू यादव ने आखिरी तक लड़ाई जारी रखने की बात कही है। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि वे पीएम मोदी का घेराव करेंगे। दरअसल पीएम मोदी 12 जुलाई को पटना आ रहे हैं। विशेष राज का दर्जा पर पीएम मोदी का घेराव करने की तैयारी पप्पू यादव कर रहे हैं। स्थापना छोड़ दिवस होगा, क्या होगा स्थापना दिवस? ये विधानसभा का स्थापना दिवस क्या होगा जो बिहार की दुर्गति है? पहले बिहार की दुर्गति पर बोल उनसे बोलवा लीजिए ना, विशेष राज विशेष पैकेज उस दिन क्या घोषणा करेंगे बिहार के लिए? क्या अलग से कोई चीज अलॉट होगा? क्या बाढ़ से मुक्ति होगी जो अभी पूरा का पूरा कोसी सीमांचल मिथिलांचल पूरा का पूरा बाढ़ से प्रभावित है और अंगदेश? तो उस दिन देखेंगे ना, जरूरत होगी तो हमारी छात्र और युवा इकाई उस दिन घेराव करेंगे हम लोग की बिहार को दो विशेष राज विशेष पैकेज। लड़ाई जिस दिन वो आएंगे, पुलिसिया राज है, पुलिसिया राज, ये पुलिसिया राज है, गुंडा राज है कि पुलिसिया राज है? पुलिसिया राज है, पुलिस में गुंडा है, पुलिस में। देखिए मुझको, मैं उस वक्त भी कहा था और आप लोग कहते थे अवैध जमीन, अवैध अवैध जमीन की बात करते थे। मैं तो कहूँगा कि जिस मुआवजा कौन देगा, उप मुख्यमंत्री जी मुआवजा की घोषणा करे। जिसके घर टूटे हैं, जिसका आसियाना समाप्त हो गया, उसको मुआवजा दे भारत बिहार सरकार। और मैं